कल्पना अग्रवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष नव्य एनजीओ से। दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि हम सड़कों पर छोटे छोटे भीख मांगने वाले बच्चे, बुजुर्ग लेडीज और भी काफी ऐसे लोग दया भाव से हम देखते हैं उनको, और जब वो पैसे मांगते हैं हमसे तो हम 1 रुपया 2 रुपया कुछ भी जो हमारे पास होता है हम दे देते हैं। आप सोचिए, अगर हम ऐसा ना करें तो वो हमारा 1 रुपया 2 रुपया एक कितने बड़े रैकेट को, एक कितने बड़े व्यवसाय को जन्म दे रहा है, और कैसे कैसे लोग इसके अंदर भागीदार हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक हर बंदा इस रैकेट के अंदर साझेदार होता है। हमारे इस समाज से कैसे मासूम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, लड़कियों को उठाया जाता है, वहां जाकर उनको अपंग कर देते हैं, वो किसी की आंख निकाल देते हैं, किसी का हाथ काटते हैं, किसी का पैर काटते हैं। दोस्तों सोचो कि अगर हम भीखी ना दे तो किसी भी जगह पर, मंदिर के बाहर, चौराहों पर, रेड लाइट्स पर, छोटे छोटे बच्चे नन्हे नन्हे हाथ मुस्कुराते से जब हमें कहते हैं कि मैम प्लीज कुछ दे दो, तो दिल भर आता है। लेकिन उसके पीछे उस बच्चे का जो जिंदगी बर्बाद हो रही है, एक बच्चे की बात नहीं है यहाँ पर, एक बच्चे को तो हम देख ही सकते हैं, यहाँ हजारों लाखों बच्चों की बात है, करोड़ों बच्चे हमारे भारत वर्ष से हर जगह से, हर गलियारे से, झुग्गी झोपड़ियों से, कोठियों से लापता हो जाते हैं। आप अखबारों में, न्यूज में इनकी सारी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। तो अगर हम आज से ठान लें कि हम भीख नहीं देंगे, मैं, आप, हम सभी अपने मन में आज ये शपथ लेते हैं कि हम इन बच्चों को भीख देना बंद कर देंगे, तो आने वाला वो समय कहीं दूर नहीं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कि ये रैकेट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ऊपर से लेकर नीचे तक जो लोग इसमें शामिल हैं वो धराशायी कर देंगे हम उन लोगों को, और एक नया भारत कम से कम इस चीज से तो निजात आने वाले हमारे बच्चे कर ही सकते हैं। धन्यवाद, आपने मुझे सुना। जय हिंद।